पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं विविध प्रश्नावली के। देखो बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। एक यहाँ से x उपनिष्ठ है, निकाल दिया उपनिष्ठ, और ये x जैसे उपनिष्ठ निकालेंगे यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। इसको फिर से मैं तोड़ के लिख सकता हूँ x, क्योंकि 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, नीचे देखो तीन रैखिक गुणनखंड है, तो इसको हमें किस विधि से करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर। अगर आपने सारी प्रश्नावली पढ़ रखी है तो विविध प्रश्नावली में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, और विविध प्रश्नावली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आंशिक भिन्न करने पर तो देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ एक के बट्टे में क्या है, x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा a के बट्टे में x, b के बट्टे में 1 माइनस एक्स, c के बट्टे में 1 प्लस एक्स। किसी के बट्टे में कोई भी ले रख के ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसको मैंने समीकरण एक मान लिया। ठीक है, हमें a b c के मान निकालने होते हैं। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉस ऑफ तीनों की आपस में गुणा कर दोगे, इसके भागा इसके साथ देंगे तो ये बचेगा, यानी कि क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गुणा कर दोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा a। ठीक है, इससे इसकी भाग दोगे तो क्या बचेगा, इससे ये कटंग 1 प्लस एक्स गुणे में x ये बचेगा, इससे इसमें भाग दोगे ये हटेगा, क्या बचेगा, x 1 माइनस एक्स। ठीक है, देखो अब इसके दोनों के बट्टे में समान है ये चीज़, दोनों के बट्टे में तो ये कट गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, x मतलब 1 बचा सिर्फ। ठीक है, तीन रैखिक समीकरण है। अब देखो तीनों को एक करके जीरो मानते हैं, यदि x बराबर जीरो, इसको जीरो माना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जीरो रखो। देखो यहाँ जीरो रखेंगे तो यहाँ से सिर्फ a बचेगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। देखिए कुल मिलाकर a का मान आ गया 1। ठीक है, ये सब सिखा रखा है 7.5 प्रश्नावली में। फिर से आ जाओगे, यदि x माइनस वन सॉरी 1 माइनस x है, 1 माइनस x को ज़ीरो मानोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 1। तो देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगाओगे तो डायरेक्ट रख देते हैं ना। जैसे x का मान यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखना है, यहाँ तो 1 ऑलरेडी है, यहाँ 1 रखते ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, यहाँ x की जगह पे 1 रखोगे, 1 और 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 भी। ठीक है, और 1 माइनस एक्स को तो आपने 0 माना, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, 0। 2 भी होगा, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो b का मान कितना आ गया, 1 बट्टे 2। ठीक, पुनः यदि 1 माइनस एक्स को 0 मान लिया था, अब हम किसको मानेंगे, 1 प्लस एक्स को 0 मानेंगे, तो प्लस का 1 रख के क्या हो जाएगा, माइनस के 1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको माइनस के 1 रख दे देना है। ठीक है, जैसे x की जगह पर माइनस के 1 रखोगे ये 0 बना देगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स 0, तो ये वाला पद भी हो गया 0, और x की जगह पर क्या रखना है, माइनस के 1। तो देखो सी माइनस 1, एक्स की जगह पर माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया माइनस के 2c, तो c का मान आ गया माइनस के 1/2। बस इसमें ना आंशिक भिन्न करने पर abc निकालने में ही थोड़ा समय लगता है, उसके बाद abc रखते ही आपका इंटीग्रेशन फट से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, abc के मान को समीकरण एक में रख दोगे, a b c का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में रख देंगे यहाँ पर और इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो a का मान कितना है, 1 बट्टे में है x, इंटीग्रेशन कर दो साथ ही साथ। b का मान है 1/2, बाहर निकाल दिया, बट यहाँ 1 माइनस एक्स है,
ठीक है, और सी का मान है माइनस के एक बट्टे दो, बाहर निकाल दिया डी एक्स बट्टे में वन प्लस एक्स। ठीक है, सूत्र तो पता ही होगा आपको। अब वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स वन बाई टू। देखो ये रैखिक समीकरण है बट्टे में, तो एक्स की तरफ व्यवहार करेगा तो लॉग वन माइनस एक्स, और एक्स का जो गुणा जब वो किया माइनस वो बट्टे में आ जाएगा माइनस के एक, ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स। इंटीग्रेशन का तो हम सी जोड़ देंगे, थोड़ा ढंग से और लिख लो, लॉग एक्स यहाँ से माइनस के एक बट्टे दो आ जाएगा, वन माइनस एक्स वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स प्लस सी। और भी हल कर सकते हैं बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह मेरे पास बची नहीं है, यहाँ से एक बट्टा दो वंश ले सकता हूँ। ठीक है, फिर लॉग माइनस का एक बट्टा दो वंश लेने के बाद अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा लॉग एम प्लस एन, लॉग एम प्लस एन बराबर क्या होता है लॉग एम इन टू एन। तो और भी हम सरल कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है लेकिन। तो ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। ठीक है, और विविध प्रश्न हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ, काफ़ी शानदार प्रश्न है। देखो इस प्रश्न में क्या बोला गया है, ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है और ऊपर सिर्फ वन है, तो मैं क्या करूँगा ना परिमेयकरण कर दूंगा, एक्स प्लस ए, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस लगा दिया, परिमेयकरण कर दिया क्योंकि अंडर रूट दिख रहा था मुझे इस वजह से। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, जैसे ही गुणा करूँगा ऊपर देखो आपको ये सूत्र नजर आ रहा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ये सूत्र, ये होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर क्या हो गया, ऊपर क्या हमारे पास अभी इंटीग्रेशन किया ना, अभी तुम सरल ही कर रहे हैं। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर करोगे अंडर रूट एक्स प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे से क्या होगा, अंडर रूट स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है एक्स प्लस ए, और यहाँ से बचेगा एक्स प्लस बी, तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कटा, ऊपर क्या है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कटा, नीचे से क्या बचा, अब ले लेते हैं अलग अलग ले लेते हैं और इंटीग्रेशन भी साथ में ले लेते हैं, ए माइनस का बी बचेगा, एक के बट्टे में ए माइनस के बी बचा, इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा, अलग अलग ले ले रहे हैं एक के बट्टे में ए माइनस बी एक्स प्लस बी, अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा। ठीक, अब देखो ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है, तो ये रैखिक समीकरण एक्स की पावर एन की तरह व्यवहार करता है और जिसका इंटीग्रेशन का सूत्र होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बट्टे में एन प्लस वन। ठीक है, यही होता है, अब यहाँ पे लगाओ सूत्र में एक के बट्टे में ए माइनस के बी, यहाँ लग जाएगा एक्स प्लस ए, जो भी पावर होती है उसमें एक जोड़ दो और वही पावर नीचे आ जाती है। यहाँ से भी वही आ जाएगा एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन का तो हम सी जोड़ देंगे। ठीक है, जहाँ हमारा सी क्या होता है समाकलन नियतांक, ये तीन बट्टे दो आ जाएगा, तीन बट्टा दो इधर ऊपर जाके क्या हो जाएगा दो बट्टे तीन। ठीक है, ये तीन बट्टा दो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बट्टे का दो ऊपर जाके दो हो जाएगा ना गुणे में दो बट्टा तीन प्लस सी आंसर। ठीक है, जहाँ सी हमारा क्या है समाकलन नियतांक है, ये लिखना मत भूलना, जहाँ सी आपका क्या है समाकलन नियतांक। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। कोई डाउट कोई दिक्कत अगर हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, संकेत दिया हुआ है। देखो कभी भी बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में कोई संकेत वंकेत नहीं होगा, आपको अपना दिमाग खुद चलाना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
यहाँ एक्स दे रखा है, एक्स की जगह पे क्या रखने के लिए बोला है, ए बट्टे टी रखने के लिए बोला है। ठीक है, तो रखते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है ना, यहाँ डी एक्स होता है। ठीक, तो एक्स की जगह पर ए बट्टे टी रखना है, तो अब क्लच करेंगे। ठीक है, डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो डी एक्स और ए बाहर, वन अपॉइंट टी का अब क्लच क्या होगा, माइनस के वन अपॉइंट टी स्क्वायर टी टी। ठीक है, ये मान अब हमें यहाँ पर रखना है, तो इंटीग्रेशन में देखो मान रखेंगे, ये क्या है माइनस के ए बट्टे में क्या है टी स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या डी एक्स की जगह पे मान रख रहा हूँ ना मैं, माइनस के ए बट्टे में टी स्क्वायर। एक्स की जगह पे मान रखना है ए बट्टे टी अंडर रूट ए, एक्स की जगह पे क्या रखना है ए बट्टा टी, और फिर यहाँ क्या एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे में टी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने पर और टी टी। तो देखो भाई साहब, अब हल करना है, यहाँ से माइनस बाहर आ गया, इसके ऊपर ए है, यहाँ से भी ए है कटा। ठीक है, तो हल करने के बाद क्या मिलेगा, देखो यहाँ से बचा माइनस के एक बट्टा टी स्क्वायर, और यहाँ से एक बट्टा टी, लॉस ऑफ बाहर ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर, टी एक कम टी, और यहाँ ए स्क्वायर ऊपर से ओपन निकालोगे तो बाहर आके क्या आ जाएगा ए। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ से क्या ओपन ऊपर से बाहर अंडर रूट से बाहर आके क्या आ जाएगा ए, यहाँ एक बचेगा, यहाँ पे भी एक बचेगा, तो यहाँ से टी माइनस के वन आ जाएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए और हल करेंगे तो क्या जाएगा, हाँ यहाँ से देखिए इसकी गुणा इसके साथ होती है और इसकी गुणा इसके साथ, तो ऊपर आ जाएगा माइनस एक गुणा टी। ठीक है, भागा इसकी गुणा इसके साथ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर कुछ नहीं बचा तो डी टी, नीचे टी माइनस वन और टी स्क्वायर बाहर के क्या हो जाएगा टी, और ये बट्टे का टी कहाँ आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी और ये टी माइनस के टी स्क्वायर बट्टे में ए टी स्क्वायर, डी टी बट्टे में टी माइनस वन। ठीक है, ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ माइनस के एक बट्टा ए अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट एक बट्टा दो होता है, नीचे है ऊपर जाने के बाद माइनस में लग जाएगा इंटीग्रेशन। रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण किसकी तरह व्यवहार करता है, एक्स की पावर एन की तरह व्यवहार करता है, और जिसका इंटीग्रेशन का सूत्र होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बट्टे में एन प्लस वन। ठीक है, अब लगाओ सूत्र, तो ये हो जाएगा टी माइनस वन एन प्लस वन एन प्लस वन। ठीक है, इंटीग्रेशन ख़त्म, सी जोड़ देंगे, तो एक में आधा जोड़ने पर आधा बचता है। ठीक है, ये बट्टे का दो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और टी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, टी का मान हो जाएगा ए बट्टे एक्स। ठीक है, हमारे पास एक्स बराबर क्या था, ए बट्टा टी था, तो टी का मान क्या हो जाएगा, ए बट्टा एक्स। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ओके, जहाँ से हमारा क्या है, समाकलन निदांक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे शानदार जानदार हैं, पहले ही बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, यह वन प्लस एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पावर में तीन बट्टा चार है, और ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, माना
ठीक है, मैं मान लेता हूँ, माना एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना यहाँ पर, वन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो एक्स की जगह पर हम क्या मानते हैं, एक्स स्क्वायर को हमें मानना पड़ेगा टेन थीटा, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के टेन थीटा। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा की घात में आधा। अब क्योंकि यहाँ dx होता है, इंटीग्रेशन करोगे तो, ठीक, तो अब कलच करना पड़ेगा dx बट्टे डी थीटा। तो पहले क्या सरल होती पावर एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, पावर सरल हो गई। अब अंदर का अवकलज होगा, टेन थीटा का अवकलज क्या होता है, शायद स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक बट्टा दो, यहाँ से माइनस का आधा बचेगा, माइनस का आधा नीचे के क्या हो जाएगा, प्लस का आधा, आधा का मतलब होता है अंडर रूट, ये आ जाएगा डी एक्स की जगह पर। ठीक है, इन मानों को उठाकर यहाँ रखो क्वेश्चन में। सो देखिए भाई साहब, डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, शेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बट्टे में क्या है, यहाँ पर बट्टे वाला टू इधर ले लेते हैं, अंडर रूट में है टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो मान रखना है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान क्या है, टेन थीटा। ठीक है, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और इसकी पावर में कितनी है, तीन बट्टे चार। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब देखो और क्या हाल हो सकता है, एक बट्टा दो, यहाँ पर क्या है, शेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अंडर रूट के अंदर है टेन थीटा। ठीक, अब यहाँ से देखो, ये टेन थीटा है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, शेक स्क्वायर थीटा। गुणे में कितना है, तीन बट्टे चार, काटो दो दुनी। ठीक है, तो शेक थीटा की पावर में कितना आ गया, तीन बट्टे दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा कुल मिलाकर, एक बट्टा दो शेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, टेन की पावर एक, टेन की पावर आधी, तो टेन की पावर कितनी हो जाएगी, तीन बट्टे दो। और यहाँ सेक की पावर भी कितनी है, तीन बट्टा दो, तो टोटल की पावर कितनी आ गई, तीन बट्टा दो। ठीक है जी, इसीलिए ये प्रश्न बहुत शानदार जानदार होते हैं, इसमें आपका दिमाग बढ़िया चलता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा गुणे सेक थीटा, टोटल की पावर तीन बट्टे दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हो जाए, टेन थीटा का अवकलज सेक स्क्वायर थीटा ऊपर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे भी तो बच जा रहा है। ठीक है, क्या किया जाए कि बात बन जाए। ठीक है, ऐसे तो बात बन नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं ना, साइन कॉस में बदल लेते हैं। ठीक है, जब रास्ता दिखे ना ऐसा करने के बावजूद भी, तो हमें क्या करना चाहिए, साइन कॉस में बदल लेना चाहिए। ठीक, तो साइन कॉस बदलते हैं, सेक को मैं लिख सकता हूँ एक बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को है ना, और टेन को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और सेक को लिख सकता हूँ मैं एक बट्टे कॉस थीटा, टोटल की पावर है थ्री बाई टू। ठीक है, और यहाँ हमारा डिजिट है। आगे देखो, यहाँ से तो चलो एक बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा की पावर में थ्री बाई टू, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा पावर में थ्री बाई टू, तो टू से टू कैंसिल। अब देखो, इसकी गुणा इसके साथ होती है, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन थीटा की पावर थ्री बाई टू, इससे भाग दोगे तो एक पावर कट जाएगी, तो ये वन बाई टू इंटीग्रेशन। ऊपर सिर्फ क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा, नीचे बचा साइन थीटा की पावर में थ्री बाई टू। ठीक
ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आसान बन गया। इसको मानने से यहाँ पर आपके आपको दिख रहा है, माना यू बराबर साइन थीटा, तो डी यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का प्लस क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा, रख दो यहाँ पर, ठीक है, कॉस थीटा थीटा की जगह पे आ जाएगा डी यू, और ये आ जाएगा यू की पावर 3/2, तो यू ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर एन वाला सूत्र बन गया, ठीक है, जो भी पावर होता है उसमें 1 जोड़ दो और वही चीज़ नीचे भी आ जाती है, एन प्लस 1 बट्टे एन प्लस 1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, तो एक 3/2 में एक एक जोड़ोगे, ठीक है, तो माइनस के आधा बचेगा, यू की पावर माइनस हाफ बचेगा, यहाँ से भी माइनस के हाफ बचेगा, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, यू हाफ, तो यू हाफ का मतलब होता है अंडर रूट यू, नीचे आके प्लस का हो जाएगा ना वो, फिर यू की वैल्यू रखो, ठीक है, यू की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, साइन थीटा प्लस सी, ठीक है, अंडर रूट में, अब थीटा में भी नहीं रख सकते, आंसर तो आपको एक्स में ही छोड़ना पड़ेगा, ये साइन थीटा है, ठीक है, यहाँ देखो आपने 10 थीटा को एक्स स्क्वायर माना है, ठीक है, देखो यहाँ से मैं निकाल के दिखाता हूँ, चूँकि 10 थीटा आपका एक्स स्क्वायर है, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो चतुर्लंब बनाऊँ, तो लंब आपका है एक्स स्क्वायर, आधार आपका 1 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ठीक है, हमें निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है एक्स स्क्वायर, कर्ण कितना है एक्स की पावर 4+1, ठीक है, तो ये मान अब यहाँ रख दो साइन थीटा की जगह पर, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स की पावर 4+1 सी, ठीक है, जहाँ एक्स जहाँ सी हमारा क्या है, समाकलन निर्देशांक है, ओके, किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें, ओके, ये भी हो गया, अगले प्रश्न में आ जाओ, ये सारे प्रश्न शानदार शानदार हैं, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, बता रहा हूँ, 5वां प्रश्न है, देखो यहाँ एक्स की पावर 1/2 है, यहाँ एक्स की पावर 1/3 है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स की पावर 2 और 3, ठीक है, तो एक्स 2 3 6 होता है, तो मैं क्या करूँगा, माना एक्स की पावर 1/6 को मैंने टी मान लिया, ठीक है, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6 से दोनों तरफ, यहाँ बट्टे में 6 ना, दोनों तरफ 6 6 से पावर में गुणा करोगे तो एक्स बराबर हो जाएगा टी की पावर 6, अगर आप क्लच करेंगे डी एक्स बट्टा डी टी तो 6 टी की पावर 5, ठीक है, एन एक्स एन माइनस 1 यहाँ डी टी आ जाएगा, डी एक्स की जगह पर हम ये रख सकते हैं, अब ये मान मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है, इंटीग्रेशन वाले यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो डी एक्स है, ये इंटीग्रेशन है, तो डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 टी की पावर 5 dt x, x की जगह पर मेरा पर क्या है, t की पावर 6, पावर में है 1/2, x की जगह पर है t की पावर 6, पावर में 1/3, ठीक है, सो ऊपर है हमारा 6 t की पावर 5, यहाँ 2 3 t की पावर 3, 3 3 t की पावर 2, ठीक है, ये चीज आ गई, अब देखो यहाँ से क्या है, एटलीस्ट टी स्क्वायर कॉमन है नीचे से, काटोगे तो 3 बचेगा, ठीक है, 6 बार आ गया, तो यहाँ से सिर्फ टी क्यू नीचे बच रहा है t+1, ठीक है, नीचे क्या बच रहा है, t+1 बच रहा है, अब आप देखो ऊपर
घात ज़्यादा है, ठीक है, चूंकि जो अंश की घात है वो हर की घात से ज़्यादा है, हर की घात कितनी है, एक है, अंश की घात तीन है, तो हमें क्या करना पड़ता है इस स्टेज में आके, हमें देना पड़ता है भाग। ये सब सिखा रखा है 7.5 पढ़ाते वक्त। अब हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो टी प्लस वन से भाग दे दोगे इसमें टी की पावर तीन में, कितनी बार जाएगा, टी स्क्वायर बार जाएगा, टी को टी स्क्वायर को टी से गुणा करोगे, टी की घात तीन, टी स्क्वायर एकम टी स्क्वायर, घटाने पे साइन बदलता है, प्लस माइनस कटना, यहाँ से बचा माइनस के टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इससे फिर इसमें भाग देंगे, क्योंकि जब तक ये बड़ा है भाग जाएगा, टी स्क्वायर में टी से भाग दोगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का टी, तो गुणा करेंगे माइनस का टी स्क्वायर, माइनस के टी एक का माइनस के टी, घटाने पे चिन्ह बदलता है, इससे ये कटा, यहाँ से आ गया टी, टी से टी में भाग देंगे, टी एक कम टी एक बार जाएगा, एक से गुणा करेंगे टी एक कम टी प्लस वन, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस कटा, यहाँ से बचा माइनस का एक, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो छः तो टोटल के बाहर है, ये इसको बाहर रखो, आपने भाग दिया ना, कितनी बार भाग गया, जितनी बार भाग गया वो यहाँ लिख दो, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस के वन, शेषफल कितना बचा, माइनस के वन यहाँ आ गया, जिससे भाग दिया वो बट्टी में आ जाता है, यहाँ पर डी टी, और ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है, एकदम सिंपल बन गया इंटीग्रेशन। अब अलग अलग ले लो, देखो अलग अलग ले लो, सिक्स टी स्क्वायर डी टी, सिक्स टी डी टी प्लस सिक्स डी टी माइनस सिक्स वन अपॉन टी प्लस वन डी टी, ठीक है, सारा इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग ले लिया, इंटीग्रेशन करो, एन एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगेगा, टी की घात तीन बट्टे में तीन हो जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर बट्टे में दो हो जाएगा, सिक्स डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, रैखिक समीकरण है, लॉग टी प्लस वन हो जाएगा, इंटीग्रेशन का तुम सी जोड़ दिया, थोड़ा सॉल्व कर लो, दो तियाँ सॉरी तीन दूनी छः, ठीक है, टी का मान भी रख दूँ क्या मैं, तो टी का मान क्या है मेरे पास, एक्स की घात एक बट्टा छः, साथ ही साथ वो रख भी देते हैं, दो तियाँ टी, टी का मान के एक्स की पावर वन बाई सिक्स, ऊपर ये छः, टी का मान कितना है, टी का मान है एक्स की पावर वन बाई सिक्स, वन प्लस टी, टी का मान क्या है, एक्स की पावर वन बाई सिक्स, ठीक है, थोड़ा और हल कर लो, तीन दुनी एक्स की पावर वन बाई टू, दो तियाँ एक्स की पावर एक बट्टे तीन, सिक्स एक्स की पावर वन बाई सिक्स, सिक्स लॉग वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन सिक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो क्या है ये, नीचे की जो घात है वो ज़्यादा है, ऊपर की घात कम है, तो वो भाग कब करते हैं, जब ऊपर और नीचे की घात बराबर तब भाग किया जाता है, और या फिर अंश की घात ज़्यादा हो हर से तब भाग किया जाता है, अगर हर की घात ज़्यादा है तो भाग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न द्वारा, ठीक है, यहाँ पर पाँच एक्स है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट्टे में है एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, तो ए के बट्टे में ये रैखिक वाला पद आ जाएगा x प्लस वन, और देखो इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता, तो ये आ जाएगा bx एक्स प्लस सी, बट्टे में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस नाइन, ठीक है, समीकरण नंबर इसको एक मान लो, क्योंकि हमें a b c का मान उठाकर यहीं पर रखना होता है, और फिर इसका क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। अब हल करेंगे, लॉस ऑफ आ जाएगा x प्लस वन गुणे में x स्क्वायर प्लस नाइन, इसके गुणा इसके साथ, और इधर बी एक्स प्लस सी की गुणा एक्स प्लस वन के साथ, इसके बट्टे में जो है इसके बट्टे में वही है कटा, यहाँ बचा सिर्फ फाइव एक्स,
ठीक है, तो जो रैखिक दिख रहा है ना उससे बात बन जाएगी, एक का तो मान निकल जाएगा, लेकिन बाद में फिर हमें हल करना ही पड़ेगा। तो ये जो स्टेप है हल करने के लिए वो मैंने यहाँ कर देता हूँ, ए से अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर 9 ए, एक्स से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ निकालोगे यहाँ से ए और यहाँ से बी, फिर एक्स निकालोगे उभयनिष्ठ यहाँ से बी यहाँ से सी। ठीक है, और अचर पद क्या बचा, 9 ए प्लस सी। ठीक है, और इस तरफ क्या है हमारा, बस 5 एक्स, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी मैंने ऐसा किया है। ठीक है, ये सब मैंने सिखा रखा है 7.5 प्रश्नावली में। अब हम क्या करेंगे, यदि रैखिक एक दिख रहा है ना उसका उपयोग फ़ायदा उठाएंगे हम, एक्स प्लस 1 0 है तो प्लस का 1 उधर रखे क्या हो जाएगा माइनस का 1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस 1 रखो यहाँ पर। ठीक है, देखो तो क्या होगा, यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स की जगह माइनस के 1 रखा, जैसे ही यहाँ माइनस के 1 रखेंगे, एक्स माइनस 1 का वर्ग 1, 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10 ए, और एक्स प्लस 1 को आपने 0 माना है तो ये वाला पूरा पद हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से माइनस के 5, ये 10 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ए का मान आ गया माइनस के 1/2। अभी हमें बी और सी के मान भी चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से तुलना करके क्या मिलेगा आपको, ठीक है तुलना करो, यहाँ से देखो ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर का पद इधर इधर है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 0, यानी बी प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का ए, तो ए कितना है माइनस का 1/2, तो माइनस से गुणा करने पे ये हो जाएगा 1/2, तो बी का मान मुझे मिल गया 1/2। फिर देखो बी प्लस सी, एक्स का पद इधर इधर, एक्स का पद कितना है गुणज 5। ठीक है, सी का मान निकालना है, प्लस का भी इधर रखे माइनस का भी हो जाएगा, और बी का मान कितना है 1/2, 2 5 10 माइनस 1, तो सी का मान कितना आ गया 9/2। ए का मान बी का मान सी का मान निकल गया है, अब इन मानों को उठाकर हमें समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर रख देना है, और फिर इसका इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। करते हैं तो लिखेंगे ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये हम यहाँ रख देंगे, तो देखो क्या होगा, यहाँ रखेंगे और साथ ही साथ इंटीग्रेशन कर लेंगे, ए का मान कितना है माइनस के 1/2, और डी एक्स के 1/2 में एक्स प्लस 1, फिर बी बी का मान है प्लस के 1/2। ठीक है, अलग अलग ले लेना। ठीक है, इस बी एक्स 1/2 में एक्स स्क्वायर प्लस 9 को अलग ले लूँगा, एक्स 1/2 में एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है डी एक्स, और सी का मान कितना है 9/2, और यहाँ से आ जाएगा डी एक्स 1/2 में एक्स स्क्वायर प्लस 9, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब तो इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, देखिए एक समीकरण है लॉग में आ जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स। अब देखो 1/2, इसको मैं I1 बोल देता हूँ 9/2, और इसको मैं I2 बोल देता हूँ, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, प्लस सी जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा फिर। तो I1 और I2 को मैं अलग हल करके आपको मान निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, I1 I1 हमारे पास है x के 1/2 में एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है यही है हमारे पास I1। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, माना देखो, इसको मानने से इसका फल जो पर मौजूद है, टी मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को, अब क्लच करो एक्स का सापेक्ष, तो इसका आपका हो जाएगा 2x,
ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स की जगह पे आप क्या रख सकते हो, डी टी बट्टे दो, और इसकी जगह पे आपने माना है टी, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई टू लॉग टी। तो टी का मान कितना है वो रख दो, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, ठीक है वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस नाइन यहाँ रख देते हैं, माइनस के वन बाई टू इसका आंसर कितना है वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, नाइन बाई टू। अब आई टू का करते हैं, ये तो बड़ा आसान है, आई टू हमारे पास क्या है डी एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, जो सूत्र के रूप में आ गया है। सूत्र क्या होता है डी एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है यहाँ ए की जगह पे कितना है तीन है, तो ये आ जाएगा वन अपॉन ए थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ठीक है ये मुझे मिल गया आई टू। दूसरा वाला इंटीग्रेशन, अब इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पर रख देंगे एक बट्टा तीन, एक बट्टा तीन टेन इनवर्स एक्स बट्टा तीन प्लस सी, ठीक है ये मान हमने रख दिया। इसको थोड़ा और सरल करना चाहो तो कर लेना, दो दुनी चार तीन से कट जाएगा, ठीक है तीन दिया नौ, तीन बट्टे दो टेन इनवर्स एक्स बट्टे तीन, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में, ये क्वेश्चन एक नंबर में या फिर दो नंबर में बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है आ जाओ प्रश्न में। तो यहाँ देखो जब भी ऊपर जो सेम दिख रहा है साइन साइन, यहाँ एक्स माइनस ए और यहाँ पर सिर्फ एक्स है, तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, सेम बनाना है आपको। कैसे क्या करना है, यहाँ पर साइन माइनस का ए है ना, तो आपको एक बार ए जोड़ना है और एक बार ए हटा देना है, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे रखो, ठीक हो गया। इस पूरे पद को आप ए बोलो और इस पूरे पद को आप बी बोलो, ना 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 गलत हो गया, ठीक है एक्स माइनस ए है ना तो उसको एक साथ रखना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। एक्स माइनस ए प्लस ए, ठीक है इसको ए मानो, इस वाले को बी मानो, तब बात बनेगी, ठीक है ये ध्यान रखना। अब सूत्र में आपको बताया, देखो भाई साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, ठीक है इस सूत्र में रख दो, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, ठीक है बट्टे में जो उसको मैंने अलग अलग एक साथ दे देता हूँ, इसके बट्टे में भी और इसके बट्टे में भी, ठीक है दोनों के अलग अलग बट्टे में हमने ले लिया। अब देखो क्या होगा, देखो इससे तो ये कटा, ठीक है इंटीग्रेशन ले लेते कॉस ए कांस्टेंट है बाहर क्योंकि डी एक्स के सापेक्ष कर रहे, और यहाँ से साइन ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट, ठीक हो गया कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से देखो कॉस ए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, साइन ए बाहर, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स की जगह पे क्या है ये इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो आराम से हो गया। इतना इम्पोर्टेंट और इतना इजी था, कहीं पे कोई डाउट हो दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, क्वेश्चन दिख के कितना आपको टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
ठीक है, ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये कभी एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम, है कि नहीं? तो ये जो चीज़ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन है, ये जो एन है एन की जगह पे 5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर लॉग एक्स की पावर 5 माइनस ई की पावर लॉग एक्स की पावर क्या 4। नीचे सिमिलरली ई की पावर लॉग एक्स की पावर क्या हो जाएगा 3, ई की पावर लॉग एक्स की पावर क्या हो जाएगा 2 डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूले में हमने रख दिया। अब आपको ये फॉर्मूला और पता होगा कि ई की पावर लॉग एक्स सिंपली एक्स होता है, तो यहाँ एक्स की जगह पे क्या है भाई साहब, एक्स की पावर 5, यहाँ एक्स की जगह पे क्या है एक्स की पावर 4, नीचे से क्या आ जाएगा एक्स की पावर 3, और यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर 2। देखो कितना सिंपल हो गया इंटीग्रेशन। अब आप देखोगे ऊपर से क्या हो कॉमन है, एटलीस्ट एक्स की पावर 4 क्या है कॉमन है ना, नीचे से भी कॉमन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नीचे से क्या कॉमन है, नीचे से आपका कॉमन है, ऊपर से कॉमन है एक्स की पावर 4, नीचे से कॉमन है एक्स की पावर 2, यहाँ से बचेगा एक्स माइनस के 1, कैंसिल एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एक पावर जुड़ जाएगी वही पावर नीचे आ जाएगी प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या है समाकलन निर्देशांक है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, दिक्कत हो, और आप एक इंटीग्रेशन को ना, जरूरी नहीं है जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ उसी मेथड से ही होगा, आप एक क्वेश्चन को 2 या 3 मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन कई मेथड से हो जाएगा। ठीक है, जैसे साइन एक्स को मानने पे कॉश एक्स मिल रहा है, तो मैंने यहाँ मानना माना टी बराबर साइन एक्स, अब क्लच करूँगा डी टी बट्टे डी एक्स, तो साइन एक्स का क्लच क्या हो जाएगा कॉश एक्स। ठीक है, ये बट्टे वाला इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, सो यहाँ से देखो कॉश एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा डी टी, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और यहाँ साइन एक्स को अपने क्या माना टी, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया फॉर्मूला, क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का क्या है यहाँ पर टी स्क्वायर, तो देखो जब भी ऐसा फॉर्मूला होता है मैं लिख भी देता हूँ डी एक्स बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी गाइस यहाँ पर 1/a नहीं होता, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता ओनली। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पे क्या है यहाँ पर टी है, और ए के जगह पे 2 है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, साइन इनवर्स टी के जगह पे मान क्या रखा है साइन एक्स, ए के जगह पे 2 है प्लस सी। ठीक है, तो यहीं पे छोड़ दो, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन तो सारे ही बढ़िया हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉश स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन की पावर 8x माइनस कॉश की पावर 8x। क्वेश्चन दिखने में आपको बड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन है बड़ा आसान। तो देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को लिख सकता हूँ, साइन की पावर 8 को लिख सकता हूँ साइन की पावर 4x का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 8 को लिख सकता हूँ कॉस ठीक है पावर में 4 ही है। ये फॉर्मूला किस रूप में बन गया, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसको देखो मैं कैसे फिर से तोड़ के लिख सकता हूँ,
इसको मैं तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ और इसको तोड़ के मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये चीज़ ध्यान देना। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा, ये आएगा, और टू ए बी का टर्म ज़्यादा है इसमें, तो टू ए बी का टर्म घटा दो। टू ए बी का टर्म मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। और यहाँ से देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर टू एक्स, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर फिर से फॉर्मूला बना सकता हूँ है कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस की बी, ठीक है। इस रूप में इसको मैं बना सकता हूँ। अब इसके जगह पे मैं एक रख सकता हूँ, इसके जगह पे मैं एक रख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान कितना होता है, एक। तो ये हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसके जगह पे रख दिया वन, और गुणे में कुछ भी हो, एक को गुणा में कुछ भी डालो तो वही रहता है ना। ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस मान को उठाकर मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो देखो ये है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और देखो यहाँ से अगर मैं माइनस उपनिष्ठ ले लेता हूँ माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, बट्टे में क्या है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस चीज़ से ये चीज़ कटी, माइनस बाहर, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस टू एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस टू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करो, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, एक्स की जगह पर टू एक्स, एक्स का जो गुणज होता है वो बट्टे में ला जाता है। आ गया इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, ठीक है, जहाँ सी हमारा क्या है समाकलन नितांक है, ठीक है, आराम से बन गया। ग्यारहवें क्वेश्चन में आ जाओ, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखे हैं इस टाइप के, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कॉस से नीचे ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो कॉस होने पे साइन से गुणा करना होता है, साइन यहाँ ए और ये बी, ठीक है, तो ए और बी, ठीक है, इसमें से ना इसको घटा देते हैं, इस एंगल में से इस एंगल को घटा दोगे, एक्स प्लस ई में से एक्स माइनस बी, एक्स प्लस बी घटा दोगे तो आपको बचेगा एक्स एक्स कट जाएगा ए माइनस बी बचेगा, तो साइन ए माइनस बी से आपको ऊपर नीचे क्या करना है गुणा करना है, ठीक है, गुणा कर दिया, नीचे ऑलरेडी जो है उसको वैसे रहने दो, कॉश एक्स प्लस ए कॉश एक्स प्लस बी, ये नीचे, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमें दे ही रखा है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक के बट्टे में हमारे पास क्या है साइन ए माइनस बी, इसको मैं कैसे लिखूँगा साइन एक्स प्लस ए, यहाँ एक बार एक्स जोड़ूंगा और एक बार एक्स घटाऊंगा, देखो अगर तुम इसको हल करोगे ना तो तुमसे फिर से यही मिल जाएगा, एक बार मैंने एक्स जोड़ा और एक बार एक्स मैंने घटाया है, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो, अभी तो इंटीग्रेशन कर नहीं रहा हूँ, अभी तो बस सरल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर सूत्र लगा के खोल दो, ये ए के जगह पर है, ये बी के जगह पर है, साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। बाहर हमारा है साइन ए माइनस बी, लगाओ सूत्र, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और बट्टे में जो ना अलग अलग ले लेते हैं, कॉस एक्स प्लस ए इसके साथ भी और इसके साथ भी, बट्टे मैंने अलग अलग ले लिया,
ठीक है, कुछ कट पिट रहा है क्या? देखो ये इससे ये कटा, इससे ये कटा, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे अब। साइन ए माइनस के बी, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10 एक्स प्लस ए डी एक्स। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10 एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब तो बस फॉर्मूला ही लगा देना है। टेन एक्स प्लस ए, ठीक है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कॉस, अगर पॉजिटिव में लिखना है तो लॉग कॉस, एंगल की जगह पे क्या है, एक्स प्लस ए। ठीक है, यहाँ से और इसमें से दोनों में से कॉमन था तो ये चीज कॉमन निकाल दिया, और इसका क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दिया। ठीक है, और थोड़ा और हल कर सकते हैं हम जानते हैं लॉग एम माइनस के लॉग एन, सूत्र क्या होता है, लॉग एम बट्टे एन। ठीक है, ये एम की जगह पर है और ये एन की जगह पर, एम एम की जगह पर क्या है, कॉस एक्स प्लस ए बट्टे में कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, जहां सी हमारा क्या है, समाकलन नेतांक। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन है x की पावर 3 डी एक्स, अंडर रूट में 1 x की पावर 4 लिख सकता हूँ स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसको मानने से इसका आपको जगह मिल रहा है, माना टी को मैंने माना एक्स की पावर 4, तो डी टी बट्टे डी एक्स क्या हो जाएगा, 4x³, 4 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, और डी एक्स जो बट्टे का है इधर के गुणे में। इन मान को यहाँ पर रखो तो देखो x³ डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी बट्टे का 4, यहाँ आ गया एक्स की पावर 4 को अपने टी माना है तो ये टी स्क्वायर, सूत्र बन गया है कि नहीं, साइन इनवर्स वाला सूत्र बन गया। सूत्र याद होना चाहिए भाई, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो डी एक्स फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ ए की जगह पे क्या है, 1 है, तो 1/4 साइन इनवर्स टी प्लस सी, टी का मान रख दो, टी का मान क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस सी, जहां सी आपका क्या है, समाकलन नेतांक। ठीक, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है ये, आंशिक बनने से होगा। ठीक है, यहां देखो, माना e की पावर x को t मानो, यहां dx है ना, तो देखो e की पावर x का आपका e की पावर x ही होता है, e की पावर x dx dt, तो e की पावर x dx की जगह पे क्या आ गया, dt बट्टे में 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को मैंने नाम i दे दिया, dt का ऊपर में गुणज कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न में क्या हो जाएगा, इधर 1 के बट्टे में है 1 प्लस टी 2 प्लस टी, तो 1 के बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस टी, बी के बट्टे में आ जाएगा 2 प्लस टी। ठीक, समीकरण नंबर 1, क्योंकि ए और बी के मान रखे हम निकाल के मुझे यहीं रखने हैं, लॉस ऑफ आ जाएगा 1 प्लस टी 2 प्लस टी, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसके बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये कटा, यहाँ 1 बचा। ठीक है, जब 2
प्लस टी का मान जीरो रखेंगे तो प्लस का टू इधर आके माइनस का टू, ठीक है। यहाँ रखेंगे मान इधर वन है, टू प्लस टी को जीरो माना है तो ए गुणा जीरो और टी की जगह पे क्या रखा है माइनस के दो, तो यहाँ से माइनस का बी बराबर एक तो बी बराबर आ जाएगा माइनस के वन। फिर से जब वन प्लस टी को जीरो मानेंगे तो प्लस का टी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के टी, सॉरी माइनस के वन हो जाएगा, प्लस का वन आके रखो यहाँ तो वन है, ए टी की जगह माइनस के वन और वन प्लस टी को हमने जीरो माना है तो यहाँ से आ जाएगा एक, ए का मान आ जाएगा एक, ठीक। ए व बी का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है, रख दो एक में तो यहाँ रखने से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर दो, ए का मान एक है तो ये आ जाएगा टी टी बट्टे वन प्लस टी, ठीक है। उसके बाद और बी का मान कितना माइनस, तो माइनस डी टी बट्टे में टू प्लस टी, रैखिक समीकरण है तो यह आ जाएगा लॉग वन प्लस टी लॉग टू प्लस टी, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे और लास्ट में टी का मान भी रख देंगे तो ये क्या है लॉग एम माइनस एन, तो सूत्र क्या होता है लॉग एम बट्टे में एन, ठीक है। यहाँ पे सूत्र लगा दिया आप लॉग एम माइनस के लॉग एन क्या होता है लॉग एम बट्टे एन। अब टी का मान हमने माना था क्या ई की पावर एक्स, वो हम लास्ट में रख देंगे, ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट हो दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें, अगले प्रश्न में आ जाओ, काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को कुछ नाम देते हैं, माना एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया कि ये वाई है तो ये क्या हो जाएगा एक के बट्टे में वाई प्लस वन वाई प्लस फोर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं आंशिक भिन्न लगा देते हैं, ए के बट्टे में क्या आ जाएगा वाई प्लस वन और बी के बट्टे में आ जाएगा वाई प्लस फोर, ठीक है। समीकरण नंबर एक मान लिया हमने, यहाँ पर क्या किया आंशिक भिन्न किया, आंशिक भिन्न करने पर, ठीक। आंशिक भिन्न करेंगे जैसे अभी तक हल किया है ना वैसे ही हल करना है, लॉस ऑफ आ जाएगा इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, इसके बट्टे में कटा यहाँ बचा वन, यदि y प्लस फोर को ज़ीरो मानेंगे तो प्लस का फोर इधर आके माइनस का फोर रखो यहाँ पर, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर माइनस के फोर, इसको अपने ज़ीरो माना है माइनस फोर प्लस वन, तो यहाँ से बचेगा माइनस के तीन भी, तो b का मान आ जाएगा माइनस के एक बट्टा तीन, ठीक है। फिर से यदि y प्लस फोर माना था, अब इसको मानो y प्लस वन बराबर ज़ीरो, तो प्लस का वन इधर आके क्या हो गया माइनस के वन, रखो फिर से यहाँ पर, इस तरफ एक है y की जगह पे क्या रखना माइनस का एक और y प्लस वन को अपने ज़ीरो मानना है, यहाँ से तीन बचेगा तो a का मान आ जाएगा एक बट्टे तीन, ए और बी का मान समीकरण एक में रख देना है, ए व बी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। रखो ए का मान एक बट्टे तीन, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर वाई में लिखा हुआ था तो वाई का
वाई में मत कर देना, वाई का मान रख देना, वाई को आपने क्या माना एक्स स्क्वायर, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ऊपर है आपका डी एक्स, वाई का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। बी का मान है माइनस के एक बट्टे तीन, ठीक है, और वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर चार को लिख सकते हैं दो का स्क्वायर। ये सूत्र बन गया डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन अपोन ए टेन इनवर्स एक्स अपोन ए, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर रखो तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा वन अपोन ए टेन इनवर्स एक्स अपोन ए, इंटीग्रेशन खत्म। सी वन बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स, तीन दूनी छः, यह आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बट्टे दो, जहाँ सी हमारा क्या है भाई साहब, समाकलन नेतांक। ठीक हो गया, कहीं पे भी डाउट हो दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, देखिए इंटीग्रेशन हमारे पास है, यह है कॉस की घात तीन गुणे में एक ही पावर लॉग शाइन एक्स, ठीक है, आप जानते हैं एक ही पावर लॉग एक्स किसके बराबर होते हैं, ओनली एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह पर क्या है शाइन, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स की घात तीन है और यहाँ से आ जाएगा शाइन एक्स। इसका मैं इंटीग्रेशन कर लूँ, देखो कॉस को मानने से उसका अपवाद यहाँ मौजूद है, ठीक है, तो माना टी बराबर कॉस एक्स, अब क्लस करेंगे कॉस एक्स का क्लस क्या होता है माइनस के शाइन एक्स, ठीक है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो शाइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस के डी टी आप रख सकते हो। कॉस एक्स को आपने टी माना है टी की घात तीन, और शाइन एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस के डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे टी की पावर फोर बट्टे में फोर, इंटीग्रेशन खत्म। सी जोड़ देंगे, टी का मान कितना है कॉस एक्स पावर में फोर बट्टे में फोर प्लस सी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। अगला इंटीग्रेशन है आई, मान लेते हैं ये, देखो ये क्या है e की पावर थ्री log x है, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर log x की पावर थ्री, इनवर्स बट्टे में आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, और आप ये जानते हैं e की पावर log x क्या होता है ओनली x, तो यहाँ x की जगह पर क्या है x की घात तीन, ठीक हो गया। अब नीचे वाला मानने से ऊपर वाला देखो ओपन पूरा मिल रहा है, ठीक है, तो माना वन प्लस एक्स की पावर फोर को मैंने टी माना, तो ये आ जाएगा फोर एक्स क्यूब, चार गुड़े में इधर बट्टे में आ गया एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स की जगह पे आप क्या रख सकते हो डी टी बट्टे चार, बट्टे का चार इधर और इसको अपने टी माना है, तो ये होता है लॉग टी। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, फिर टी का मान रख दो, टी का मान कितना है वन प्लस एक्स की पावर फोर, ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा। कई बच्चे सोच रहे सर ये आपने यहाँ से क्या किया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया था भाई, ये बताना पड़ेगा क्या लॉग m की पावर n क्या होता है n log m, तो ये जो तीन था वो यहाँ आ गया पावर में उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है, e की पावर log x क्यूब हो गया और e की पावर log x x होता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, सत्रपा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये फंक्शन है और ये उसका अवकलज है, ठीक है, अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में रखें, माना इसको मैंने टी माना, फंक्शन ए एक्स प्लस बी है,
अब क्लच करेंगे डी टी बट्टे डी एक्स, एक बार अब क्लच करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डच ई एक्स प्लस बी होगा फंक्शन का, वो अंदर वाले का अब क्लच करोगे तो ए एक्स का अब क्लच क्या हो जाएगा ए, और बी का अब क्लच क्या होता है ज़ीरो, तो ये आ जाएगा डी टी बट्टे ए एफ डैश ई एक्स प्लस बी डी एक्स। इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो, डी टी बट्टा ए रख सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके जगह पे आ जाएगा डी टी बट्टे का ए बार, और इसको आपने क्या माना है, टी माना है, तो टी की पावर एन। तो सूत्र क्या होता है, एन प्लस वन बट्टे में एन प्लस वन, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ठीक है। टी किसको माना है वो रख दो यहाँ पर, एफ ई एक्स प्लस बी एन प्लस वन बट्टे में एन प्लस वन, जहाँ हमारा सी क्या है, समाकलन नितांक, ठीक। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली प्रश्न में आ जाओ, ये हमारा प्रश्न है, साइन की घात 3x साइन x प्लस ए, ठीक है। काफ़ी शानदार जानदार क्वेश्चन है। देखो यह x प्लस ए बोलो या अल्फा बोलो, जो आपको सही लगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको खोल देता हूँ, पहले इस टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ चूंकि करके। हमारे पास क्या है, साइन की घात 3x साइन x प्लस, मैं इसको ए लिख देता हूँ सिंपल, बाहर से साइन क्यूब x, इसको खोलेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो अगर मैं यहाँ से साइन एक्स उपनिष्ठ निकालूँ, साइन एक्स मैंने उपनिष्ठ निकाला, ध्यान से देखना, ये तो बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचा कॉस ए, यहाँ साइन एक्स है ही नहीं, जब उपनिष्ठ निकालो और है नहीं तो वो बट्टे में आ जाएगा, तो ये साइन की पावर 3 साइन की पावर 1 साइन की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ से क्या बचा कॉस ए, कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट एक्स, और यह है साइन ए, ठीक हो गया। अब इस मान को उठाकर आप यहाँ पर रखोगे, अब क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन, ऊपर तो चलो सिर्फ डी एक्स है, नीचे अंडर रूट में साइन की पावर 4x कॉस ए कॉट एक्स साइन ए। यहाँ पर हो सकता है अल्फा हो, तो मैंने सिंपल अल्फा को ए बोल दिया है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब देखो साइन की पावर 4 बाहर आके क्या हो जाएगा, साइन की पावर 2, ठीक है, साइन की पावर क्या हो जाएगा 2, और साइन की पावर 2 ऊपर जाके क्या हो जाता है कॉसिक, या रहने देता हूँ, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ पर क्या है कॉस ए कॉट एक्स साइन ए, ठीक है डी एक्स। अब आप देखो क्या इसको मानने से आपको अवकलज मिलेगा, कैसे, देखो माना टी माना मैंने किसको कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए, अवकलज करना है डी टी बटे डी एक्स, इसका तो हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है, साइन ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बोलो, अब क्लच क्या होता है माइनस के कॉश के स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस के डी टी, और कॉशिक को मैं लिख सकता हूँ एक बट्टा साइन स्क्वायर डी एक्स, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ माइनस के डी टी, डी एक्स बट्टे इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ माइनस के डी टी, इसकी जगह पे आ गया माइनस के डी टी, और इसको हमने क्या माना है टी, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी
अभी है परेशानी। देखो ये चीज़ गुड़े में दे ना तो इधर बट्टे में आएगी। वो आपका छूट जा रहा था। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। अंडर रूट माइनस के टी डी टी, ठीक है। तो टी की पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन इंटीग्रेशन का तम सी जोड़ देंगे। तो एक में से आधा घटाओगे, आधा तो टी की घात आधा, और यहाँ से भी बचेगा आधा। तो बट्टे का दो ऊपर आके गुड़े में आ जाएगा, माइनस के दो बट्टे साइन ए। अंडर रूट एक बट्टे दो का मतलब होता है अंडर रूट। टी टी आपने क्या माना था, ये इसको टी माना था, वो यहाँ अंडर रूट के अंदर लग दो। कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए, ये अल्फा बात एक ही है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, दुविधा हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 18वां प्रश्न हो गया ना, अब आते हैं 19वें प्रश्न में, ठीक है। 19वें प्रश्न में आ जाओ, यहाँ देखते हैं। ये चीज़ है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ देखो, वन प्लस में अंडर रूट एक्स है, वन माइनस में अंडर रूट एक्स है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर सिर्फ एक्स होता, वन प्लस एक्स नीचे है, वन माइनस एक्स नीचे होता, तो मैं एक्स की जगह पे क्या मानता, कॉस स्क्वायर टी मानता, ठीक है। सिर्फ कॉस टी मानता, कॉस स्क्वायर बोल रहा हूँ, कॉस टी मानता, क्योंकि वन माइनस कॉस, वन प्लस कॉस एक फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाता, ठीक है। तो मैं माना, यहाँ लिख देता हूँ, माना कि जो अंडर रूट एक्स है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि ये कॉस टी है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी। आप क्लच करोगे डी एक्स क्या हो जाएगा, पावर सॉल्व होगी, टू सामने, टू कॉस टी, कॉस टी का ऑफ क्लस क्या होता है, माइनस के साइन टी डी टी, ठीक है। अब इन मान को यहाँ पर रखो, अंडर रूट एक्स को आपने क्या माना है, कॉस टी, क्योंकि इंटीग्रेशन है ना। यहाँ पर आपका क्या है, डी एक्स है, बट्टे में वन प्लस कॉस टी, और डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस के टू कॉस टी साइन टी डी टी, ठीक है। ये मैंने मान रख दिया। अब आप यहाँ से देखो, माइनस का टू मैंने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर देखो, वन माइनस कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन स्क्वायर टी बाई टू, और वन प्लस कॉस का क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और यहाँ पर क्या बचा, कॉस टी साइन टी डी टी, दो से दो कटा, ठीक है। माइनस के दो बाहर, साइन स्क्वायर टी बाई टू बाहर आके क्या हो जाएगा, साइन टी बाई टू, ये आ जाएगा कॉस टी बाई टू, और ठीक हो गया यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, साइन टी को क्या लिख सकता हूँ, टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, और यहाँ से गुणे में क्या है, कॉस टी। देखो इन सब के एंगल टी बाई टू है, टी बाई टू है, टी बाई टू है, बेचारा ये टी है अकेला बचा, ठीक है। ये वाला टी क्या है, अकेला बचा। सो देखो इसको मैं क्या, कैसे कैसे सॉरी, इससे तो एक पावर ये कटा, दो दुनी चार, माइनस के चार साइन टी साइन टी, ये आपको आ गया साइन स्क्वायर टी बाई टू, और गुणे में क्या है, कॉस टी डी टी, ठीक है। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस कॉस टू थीटा बट्टे में टू। तो यहाँ तो टी बाई टू है, तो इसका सूत्र क्या होगा, वन माइनस कॉस टी बट्टे में दो, ठीक है, और गुणे में क्या है, यहाँ पर कॉस टी
ठीक ओके कॉस से अंदर गुणा कर दो, ये फोर भी है अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस टी दो दुनी चार माइनस के दो, फिर दो दुनी चार नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है ना, कॉस से अंदर गुणा करेंगे ये भी है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कॉस 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 स्क्वायर टी दो दुनी ये चीज। अब देखो यहाँ से भाई कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी, ये तो फट से हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब इसको तोड़ना पड़ेगा ना, कॉस स्क्वायर टी का क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस टू टी अपॉन में टू, ठीक है इंटीग्रेशन इस टू से टू कैंसिल टी टी माइनस के टू साइन टी, देखो यहाँ वन है डी टी तो वन डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, तो यहाँ आ जाएगा साइन टू टी, टी का गुणा दो है बट्टे में दो, इंटीग्रेशन खत्म सी जोड़ दो ठीक है। तो ये सब टी टी में आ रहा है लेकिन आपको आंसर टी में नहीं छोड़ना है, आपको आंसर एक्स में छोड़ना है ठीक है, आपको आंसर क्या छोड़ना है एक्स में छोड़ना है। सो देखो यहाँ पर साइन टी का मान रखना है, यहाँ पर साइन टू टी का मान रखना है तभी बात बनेगी ठीक है। देखो यहाँ से हमारे पास क्या है कॉस टी क्या था अंडर रूट एक्स था, तो साइन टी क्या होगा साइन टी होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर डी, तो कॉस टी का मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू साइन टी की जगह पे आ जाएगा वन माइनस एक्स अंडर रूट में टी, टी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स ठीक है। फिर यहाँ देखो यहाँ पर क्या है साइन टू टी को लिख सकता हूँ मैं टू साइन टी कॉस टी बट्टे में दो, दो से दो कटा ठीक है माइनस टू वन माइनस एक्स कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, अगर ये मान नहीं छोड़ोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। साइन टी का मान क्या है अंडर रूट वन माइनस एक्स कॉस टी का मान, कॉस टी का मान क्या है अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, कहीं पे भी डाउट हो कहीं पे भी दिक्कत हो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें है ना, अंदाजे में डर के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ, देखो यहाँ से शानदार जानदार क्वेश्चन है, यहाँ पर टू साइन टू एक्स है और यहाँ पर वन प्लस कॉस टू एक्स है ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंटीग्रेशन है और यहाँ ई एक्स भी है। जब भी ई एक्स रहता है गुणे में आपको पता है अगर ऐसा होता है हमारे पास प्रमेय ई की पावर एक्स क्या है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ठीक है, अगर कोई फलन है और उसका अवकलज पूरा मौजूद होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है, इस फॉर्म में आपको बनाना होता है इसको। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ तो टू है साइन टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ टू साइन एक्स कॉस एक्स गुणे में ई की पावर एक्स डी एक्स, और वन प्लस कॉस टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ ठीक है, वो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के वन प्लस माइनस वन कटा ठीक है, तो ऊपर से देखो दो ओवरनिस्ट है वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स और यहाँ से बचा टू कॉस स्क्वायर एक्स, टू से टू कैंसिल, तो मैं क्या करता हूँ अलग अलग बट्टे में ले लेता हूँ, एक के बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ से साइन एक्स कॉश एक्स कॉश स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉश एक्स गुणा कॉश एक्स। सो देखो एक कॉश एक्स एक कॉश एक्स का डम एक बट्टे कॉश क्या होता है इसे एक ही पावर एक्स लिख देते हैं, एक बट्टे कॉश होता है शेक स्क्वायर एक्स
ठीक है, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है? टेन एक्स। कुछ दिखा आपको? देखो ये फलन है और ये उसका अवकलज। फलन का अवकलज जब पूरा मिल जाता है तो इस प्रमेय के अनुसार इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? इकी पावर एक्स फंक्शन एक्स टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, इकी पावर एक्स टेन एक्स इस प्रमेय द्वारा। ये आप यहाँ लिख दोगे,